फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त अपने गांव में हैं और वहीं से सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। लगातार चाहे वो कोटा का मामला हो या फिर लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत, उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खास बात यह कि कभी उपवास तो कभी भिक्षाटन करके सरकार को आगाह कर रहे हैं। तस्वीरें उपेंद्र कुशवाहा के घर की हैं, जहां पर वो आसपास के कुछ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की बात करें तो वहाँ पर लगातार शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, इस मामले को लेकर के कई आंदोलन करते रहे, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों या फिर मंत्री का पद छोड़ने के बाद वो विपक्ष में आए हों। लगातार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। कोरोना वायरस के इस वक्त में उपेंद्र कुशवाहा ने जहाँ एक और पहले ही ऐलान किया कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़े तो उनके पास एक बड़ा सा जगह है जहां पर वो जो लोग हैं जिनको होम क्वारंटाइन करना है या जिनको चिकित्सीय सुविधा देनी है उनको रखा जा सकता है। उन तमाम तरह की चीज़ों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने इस बीच में उपवास रखा, साथ साथ उन्होंने भिक्षाटन का भी कार्यक्रम किया और इन तमाम चीज़ों के बीच में अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ।